नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, विश्वकर्मा योजना राजस्थान में भी चालू है। अब विश्वकर्मा योजना के तहत आपको 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। वो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको आपका ई मित्र इस प्रकार से ओपन कर लेना है। इसका अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक ई मित्र और एक डायरेक्ट सोसाइटी से, यानी कि जिनका भी मजदूर कार्ड बना हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई किस प्रकार से करना, चलिए उसके लिए आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर देते हो, यहाँ पे फ्री सर्च के अंदर आपको टाइप करना होगा लेबर। जैसे ही यहाँ पर आप लेबर अप्लाई टाइप करते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लेबर अप्लाई फॉर स्कीम फॉर्म फिलिंग, तो आपको इस पे ओके करना है। थर्ड पार्टी पोर्टल पे राइड करने के लिए बोलता है, आपको ओके वाले बटन पे ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो, आपके सामने पेज रिलोड होके और कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आ जाता है। देखिए दोस्तों, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको इसी वीडियो में कन्वर्ट बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको करना होगा। तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, तो यहाँ भी हमें एक ऑप्शन मिल जाती है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, तो आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। उससे पहले हम क्लिक कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पे ओके करके देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से मिल जाता है, उम्र 18 साल से 40 साल होनी चाहिए और आवेदक के पास में जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं, यानी कि वो कितना भी पढ़ा हो सकता है। आवेदक द्वारा 2 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कोई भी टूल किट के लिए आवेदन नहीं किया गया, उसका अनुदान यानी कि सब्सिडी नहीं ली गई हो। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के लिए राज्य की शिल्प एवं मट्टी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य की इस कला बोर्ड, और यहाँ पे कुछ कैटेगरियाँ दी गई है, जो कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक कैटेगरी इसके अंतर्गत दी गई है, जिसके तहत हम आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन बहुत से आवेदन इसी के थ्रू हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, श्रम विभाग के चयनित कामगार इस योजना के लिए अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास में जो श्रम विभाग के चयनित कामगार है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनका मजदूर कार्ड बना हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको ओके करना है। उससे पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अब आपके सामने ऑफलाइन फॉर्म किया, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड विश्वकर्मा कामगार कल्याण पोर्टल कल्याण योजना डिटेल एंड फॉर्म, आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करोगे, आपके सामने कुछ दो फॉर्म आएंगे, वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। हमें अप्लाई करना, तो यहाँ पे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। अब वो फॉर्म किस प्रकार से भरने हैं, उस पे मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। अगर इसी वीडियो में मैं अगर कन्वर्ट करूँ, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस कारण से मैं इस वीडियो में कन्वर्ट करके आपको नहीं दिखा रहा। उसकी एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने की ही जानकारी मिलेगी। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका जो मजदूर कार्ड नंबर होता है B32 31 20 से शुरू होता है, जो भी वो नंबर डालना है। उसके बाद अगर आप राजस्थान के परमानेंट निवासी हो, तो यस, हम नॉर्मल सी बात है, सभी राजस्थान के निवासी हैं जिनका जन आधार कार्ड बना हुआ है। उसका जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, बेनिफिट रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, और यहाँ पे आपको धर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑफिस जन आधार कार्ड जैसे आप नंबर लगाओगे वहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो अकाउंट डिटेल है ये आपके जन आधार कार्ड से आएगी। अगर आपके जन आधार कार्ड में अकाउंट नंबर गलत लगा हुआ है या यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर गलत दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले आपके जन आधार कार्ड में आपका बैंक खाता सही करना है। उसके बाद में ही जैसे ही आप इस पोर्टल पे आओगे, तो आपको सब कुछ सही से मिल जाएगा, यानी कि ये सब जो सभी डिटेल है वो सही आ जाएगी। और यहाँ पे आपको जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे फिल करना है, और सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे ओके कर देते हो, आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा जाता है और आपके सामने एक प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहां से इसकी रिसिप्ट निकाल सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आप बिना ई मित्र के भी ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट सोसाइटी से किस प्रकार से कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी सोसाइटी ओपन करनी है। तो देखिए, हमें डायरेक्ट सोसाइटी से ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इसके लिए क्विक सर्च वाले ऑप्शन के अंदर आपको टाइप करना है जेन, यहाँ पे आपको टाइप करना, सॉरी, लेबर डिपार्ट यहाँ पे टाइप करना होगा, लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके सामने आ गया। इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर देते हो, पेज रिलोड होता है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया डैशबोर्ड पेज आ जाता है, जिसके अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट की बहुत सी सर्विस बहुत सी स्कीम देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप उनका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस प्रकार से आपके सामने पेज आने के बाद में कई बार यहाँ से आपसे यूजर नेम क्रिएट करने के लिए बोल सकता है, तो आप डायरेक्ट यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए यहाँ से आपका, और लगभग सभी का ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। जिनकी प्रोफाइल के अंदर जन आधार अपडेट है, उनका यहाँ पे डायरेक्ट LDMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का एक डैशबोर्ड पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको
बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको BOCW वेलफेयर बोर्ड पे ओके करना है, अप्लाई फॉर स्कीम वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर देते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड पे जाता है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको भी उसी प्रकार से सभी सर्विस दिखाई देती है, आप उनका यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। हमें यहाँ पे एक स्कीम मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना पे ओके कर देते हो, आपके सामने वापस इस प्रकार का पेज आता है। सेम टू सेम वैसी ही प्रक्रिया रहती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे मजदूर कार्ड नंबर डालिए, नीचे की डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, बैंक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। बैंक डिटेल अगर यहाँ पे सही नहीं आती है तो जन्म आधार कार्ड आपको अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालिए और ऑनलाइन इसको सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे ओके कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे ओके कर देते हो, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब इसके आवेदन की जांच होगी, अगर आप इस आवेदन में सही पाए जाते हो तो संबंधित जो भी इस योजना का बेनिफिट होगा वो आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस प्रकार से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस चैनल पर मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।